अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। छोटे सीआईडी गाड़ी में तो चिप लगाया था, वो बराबर काम कर रहा है? खबर तो मिल ली ना? जी बॉस। बॉस अब भी दया और अंशा का पीछा करना चालू रखूं? तो फिर जब तक मैं ना ना बोलूं उनका पीछा जारी रख। अरे मम्मी पापा आई आई और भाई सब कुछ प्लान के हिसाब ठीक से चल रहा है ना? जी हाँ पापा सब ठीक है। मैंने सीआईडी की हर गाड़ी में एक चिप लगवा दी, उससे वो कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं सारी खबर हम तक आती है। अब एक चिप उस ब्यूरो में लगाना है जिससे कि उनकी एक एक मूवमेंट का पता हमको चलता रहे। ये प्लान भी तो मैंने ही दिया कि अंशा दया को अपने प्यार के जाल में फांस ले। अरे प्यार में तो बड़े से बड़ा आदमी चूहा बन जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब आपका प्लान था? इसका मतलब आज तक आप सीआईडी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल करते रहे? अंशा बेटी, वो बेटी मत कहिए मुझे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में दया से बहुत प्यार करती हूँ। पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। बंटी तुम लोग जाओ, अब देखो वो बचने न पाए, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये चलो रे, जल्दी करो। और हम अपना अगला प्लान शुरू करते हैं। मुझे ये वीडियो हर हाल में अभिजीत सर तक पहुंचानी है। अरे कृष्णा मैन आइए आइए, यही ठाकुर देने आई थी, सोचा आपको भी देती चलूं। थैंक यू कृष्णा मैन, थैंक यू। वैसे तो आपके हाथ के खाकरे की टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। सचिन ये है कृष्णा मैन खाकरा वाला। जय अम्बे। इनके खाकरे की टेस्ट बिल्कुल इनके जैसी ही खरी है। आओ साची बात छे। और एक बात सचिन, कृष्णा मैन हमारे सीआईडी के जैसे ही हर प्रॉब्लम को अपने ही अंदाज में सॉल्व करते हैं। सर इनकी दुकान कहाँ है और कहाँ रहती है? मैं कभी खाकरा खाने का या इनसे मिलने का दिल हो तो। हाँ, मैं तो यही रामबावड़ी है ना, वहीं रहती हूँ। और वैसे भी सचिन इन्हें मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तो 29 नवंबर से हर सोमवार से शुक्रवार तक रात को 8 बजे हमें सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर मिलेगी। फिर तो हम जरूर देखेंगे। खाकरा वाला अच्छा तो चलती हूँ। आओ जो हाँ, जय अम्बे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सर हम आपको शादी का आमंत्रण देने आए हैं।
अच्छा, किसकी शादी है? सर, ये मेरी भतीजी अंशा है, कल इसकी सगाई है और दो दिन बाद शादी, और आप लोगों को जरूर आना है। बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो बेटा, बड़ी खूबसूरत बच्ची है ये। वैसे I'm sorry, मगर मैंने पहचाना नहीं आप लोगों। नहीं नहीं सर, हम पहले कभी नहीं मिले, मगर आप दूल्हे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूल्हे को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, और मुझे पता नहीं किसकी शादी है। सर, मेरी अंशा की शादी आपके ऑफिसर दया के साथ हो रही है। क्या? दया के साथ? दया के साथ शादी हो? तुम्हें पता ही नहीं? सर, उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं, उसे कभी साफ साफ कुछ बताया ही? कमाल है, तुम्हें पता था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है, शादी में तो हम जरूर आएंगे। दया तो मेरे लिए बेटी जैसा ही है। सर, ये आपके लिए। सर प्लीज, थोड़ी मिठाइयां हैं। हाँ। Congratulations. Hi. Daya? Ye lo. Mithai khao, mithai. Daya, tumhari shaadi ho rahi hai? Ji sir. Toh tumne bataya tak nahi hai? Sir, wo मैं आपको बताना ही चाहता था सर, पर सब कुछ इतने जल्दी में हो गया कि सर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मेरी फैमिली अगले हफ्ते लंदन जा रही है, और वो चाहते थे कि उनके जाने से पहले मेरी शादी हो। सर प्लीज, आप इनसे नाराज मत होइए। अरे नहीं नहीं, नाराज क्यों होगा भाई, इतनी खुशी की बात है, हम तो सभी आने वाले हैं शादी में। थैंक यू सर, अब हम चलते हैं, कल सगाई की बड़ी तैयारियां करनी है। चलिए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। अभिजीत, अजीब बातें, दया ने शादी, तुम्हें बताया था उसने? नहीं, अब हाँ, नहीं, मैंने उसको बोला कि सर को बता देते हैं, पर वो एक्सक्यूज मी सर, एक अर्जेंट फोन करना था, मैं अभी क्यों नहीं उठा रहा है। बस कैसे भी करके ये सड़क पार कर लूं, सीआईडी पहुंचाऊं और ये वीडियो अभिजीत सर को दे दूं। बस ये तो मुझसे पहले यहां पहुंच गए, ताकि मैं सीआईडी तक ना पहुंच सकूं। अभिजीत सर, मैं मंगू, मुझे सबूत मिल गए। सबूत मिल गए? हाँ सर, ये सब सीआईडी और दया सर के खिलाफ एक चाल है सर। क्या बात कर रहे हो मंगू तुम? हाँ सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वीडियो भी बनाया सर। सर, मुझे मैडम है ना अंशा, वो भी इसमें शामिल है सर। Oh my God. तुम अभी कहाँ पे हो? सर, मैं पास में ही हूँ सर। तुम जल्दी से ब्यूरो में आ जाओ, तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ, समझे? मेरा आज बाजू बहुत से गुंडे सर, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। अरे उन गुंडों की ऐसी की तैसी, तुम जहाँ पे वहीं रुको, मैं तुमको आता हूँ लेने। सर, ज्यादा देर नहीं रुक सकता सर, सर आसपास में ही है सर। अच्छा, सबूत सबूत कहाँ है? सर, मैंने वो सबूत एक चिप पर डाल के छुपा दिया है सर। कहाँ छुपा है? सर, मैं पायरी रोड के पीछे से बोल रहा हूँ, वहाँ पर एक ट्रक खड़ा था, उस ट्रक में मैंने वो चिप छुपा दिया, और सर उस ट्रक का नंबर है कैसे आवाज है? मंगू
देखा ये टायर के मार्क कैसे कहां से कहां यहां तक आ गए। नहीं सचिन, उसे पता था, उसने मात को आते हुए देखा था। नहीं, आपको कैसे? हाँ, बस पता है मुझे ऐसे। सर, मुझे मालूम है इस आदमी का खून। मालूम? यह हालत देखकर वही तो लग रहा है। नहीं सर, इसने मुझसे मरने से पहले बात की। क्या? इसने तुमसे मरने से पहले बात की? और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सर, कैसे कैसे बताता मैं? कैसे बताऊं का क्या मतलब है अभी? तुम्हें मालूम है ना, सीआईडी में कोई भी बात छुपाई नहीं जाती। सर, इस खून का दया के साथ कनेक्शन। क्या कहा? दया के साथ? हाँ। ये कैसे हो गया अभी? कैसे हो गया ये? सर, ये आदमी मेरा खबरी था, अंगू। इसे मैंने एक काम पे लगा रखा। कैसे काम पर? सर, मैंने इसे दया की होने वाली वाइफ के पीछे लगा रखा। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने दोस्त पर जासूसी करते हुए? सर, आपको याद है जब अंशा का एक्सीडेंट हुआ था मॉल में, तो मैं और दया उसे मिलने हॉस्पिटल गए। याद है मुझे। तो वहां पे हॉस्पिटल में एक और आदमी भी था सर, बंटी। कौन है ये बंटी? सर, ये दाराकी का भतीजा है। क्या कहा? बंटी दाराकी का भतीजा है? अब वो वहां हॉस्पिटल में था? इसका मतलब है दया की होने वाली पत्नी आंशा बड़े अपराधी के रिश्तेदार को जानती है? सर, जानती ही नहीं, वो खुद दाराकी के रिश्तेदार है। वो दाराकी की भतीजी है सर, और ये बंटी उसका उसका कजिन। अंशा ताराकी की भतीजी? तुम्हें कब पता चला? सर, 2 महीने पहले। जी, 2 महीने से तुम्हें पता था? तुमने मुझे बताया तक नहीं। और अभिजीत, ताराकी सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे देश का सबसे बड़ा अपराधी है, ये तुम्हें मालूम है ना? दया इस बारे में जानता? हाँ। क्या जानता है? और फिर भी शादी? सर, अंशा ने पटा दिया कि उसका रिश्तेदारों से कुछ लेना देना है, इसलिए दया शादी करने के लिए तैयार। अभिजीत, अगर ये बात तुम्हें मुझसे छुपानी ही थी, तो फिर तुमने अंशा के पीछे एक आदमी क्यों लगाया जासूसी करने के लिए? सर, दया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था उसके साथ जब पहले हुआ वो दोबारा हो। पर वही हुआ जिसका मुझे डर। क्या हुआ? सर, दया को प्यार के नाम पे फिर से धोखा मिला। मेरे खबरी मंगू ने बताया कि सर, अंशा के खिलाफ उसे सबूत मिला। सबूत? कैसा सबूत? सीआईडी के साथ चाल चल रही है सर। ये तुम क्या कह रहे हो अभी? मतलब किसी को पता चल गया कि अंशा की सच्चाई मंगू के हाथ लगी है? इसीलिए मंगू को खत्म कर दिया था। जीत के बड़े डेंजरस लोग हैं, खतरनाक है ये लोग। लेकिन मरते मरते मंगू के अच्छा काम कर गया सर। जो सबूत का वीडियो उसने बनाया था, उसे एक चिप में डाल के छुपा गया है। कहाँ पर ये चिप? सर, एक ट्रक में। उस ट्रक का सिर्फ आधा ही नंबर बता पाया हूँ। और एक अच्छी बात, वो ट्रक उस वक्त मायरी रोड पे खड़ा हुआ था। हमें किसी भी हालत में इस ट्रक तक पहुंचना ही होगा। सचिन, टाटा। इस ट्रक का पता लगाना ही होगा। यह है ट्रक का नंबर, अधूरा है। किसी भी हालत में ढूंढो इस ट्रक को। दया की जिंदगी का सवाल है। चलिए। अभिजीत, दया की शादी रोकनी ही होगी। अच्छा हुआ सर, आप लोग आ गए। आप लोग के बिना तो ये सगाई हो ही नहीं सकती थी। सॉरी दया, मगर ये सगाई अब भी नहीं होगी। क्यों सर? इस सगाई हम होने नहीं देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये ठीक कह रहे हैं, ये सगाई नहीं हो सकती। वैसे बात क्या है, कोई प्रॉब्लम है दया? दरबार सर, ये
मेरे अपने लोग हैं सर, मेरा अपना परिवार है। आप इन लोगों के साथ रहना चाहते हैं? क्या हुआ दया? ये नमस्ते सर। ये हमारी सगाई रोकना चाहते हैं। मैं इनसे कारण पूछ रहा हूँ। देखो दया, हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन वो खुशी तुम्हें इनसे नहीं मिल सकती। प्यार, सगाई, शादी, ये सब एक बड़ा प्लान है, चाल है, और मैं इनके मुंह पे कहूंगा ये अंशा भी इन सब में मिली हुई। सारा प्लान रचा हुआ है तुम्हें फंसाने के लिए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं सर, ये सब झूठ है। मुझे मालूम है कि अंशा ने मेरे साथ कभी कोई धोखा नहीं किया। तुम मंगू को जानते हो? खबरी? हाँ, वो खबरी। उसे अंशा के खिलाफ कुछ सबूत मिल गया, इसलिए इन लोगों ने उसे मार डाला। इन लोगों? हाँ। अंशा की वजह से उसके उसकी मौत हुई? हाँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद अंशा से पूछो। अंशा, तुम बताओ ये क्या कह रहे हो? तुम इस आदमी के बारे में जानती हो? दया, मेरा यकीन करो, ये क्या कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, जरा ये फोटो देखो। इस आदमी को देखा है तुमने पहले कभी? इसको? पर इसको क्या हुआ? ये मंगू है, इसे देखा है ना तुमने? तुम इस आदमी को जानती हो? अच्छा, तुम इस आदमी को कैसे जानती हो? दया, मैंने इसे कई बार अपने आसपास देखा, मुझे लगा था वो मेरा पीछा कर रहा था, पर अब समझ में आया कि किसके कहने पर वो मेरा पीछा कर रहा था। इस आदमी के खून से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? कैसे बातें कर रहे हो दया, मैं किसी को क्यों मारूंगी? सुन लिया अभिजीत, होश में आओ दया, होश में आओ। सर, मुझे इसकी बात पर पूरा यकीन है, ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। दया, बस अभिजीत, यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और काफी तमाशा हो चुका है मेरे सामने, अब बस करते हैं। एक मिनट दया, दया हमारे पास वो सबूत है अंशा के खिलाफ जो मंगू ने इकट्ठा किया था। कैसा कैसा सबूत? सबूत मैंने अब तक देखा नहीं है, मगर मंगू ने अपनी जान पर खेल कर वो सबूत इकट्ठा किया है और छुपा के रखा है। सर, आपने खुद नहीं देखा है और बिना देखे आप अंशा को कसूरवार ठहरा रहे हैं? सर, मुझे इस पर पूरा विश्वास है, मुझे मालूम है कि ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तुमसे ये उम्मीद नहीं, तुमने मुझसे कहा कि एसीपी साहब को कुछ मत बताना अंशा के बारे में, और तुमने खुद अपने खंभियों को लगा दिया। सर, मुझे सीआईडी अपनी जान से बढ़कर है, पर अंशा मेरी जिंदगी है, मैं दोनों के बिना जी नहीं सकता। मैं ये सगाई करूंगा सर, पर आज ये सगाई होके रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। तुम ये तो जानते हो कि उसके परिवार में एक बहुत बड़ा अपराधी है, इसके बावजूद भी अगर तुमने ये सगाई की तो तुम सीआईडी में नहीं रहो। सर, परिवार में किसी एक आदमी के अपराधी होने से पूरा परिवार गलत नहीं होता था। आपके जैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर आज ये कहना पड़ेगा कि आपका बेटा भी तो एक मानव अपराधी है सर, मगर आप अभी तक किसी भी बने हुए सीआईडी में।
तो मैं क्यों नहीं रह सकता? हाँ भैया, हाँ वो मेरा बेटा था, हाँ वो मेरा बेटा, मगर उस पर गोली मैंने चलाई अपने ही हाथों से। ना मैंने तुम्हें गोली चलाने के लिए कहा, ना अभिजीत को। कोई भी रिश्ता ना था मेरी बंदूक से चली हुई गोली को रोक नहीं सकता। अगर वो गोली अपराधी को लगनी है तो लगकर ही रहेगी। अगर तुम मेरे बेटे होते ना तो सर मैं गोली चलाता। क्या हुआ सर, दयासा की सगाई रुक गई ना? संशान ने दया को अपने जाल में पूरी तरह फंसा रखा, रोती सूरत बना के बैठ गई और अपने दया सर पिघल गए। सबको रोकने का एक ही तरीका है। वो क्या सर? अंशा के खिलाफ सबूत लाके दया के सामने रखने के, बस सबूत देखेगा तभी मानेगा। ऐसे तो सुनने को तैयार ही नहीं, मजनू बना घूम रहा है। जो मंगू ने ट्रक का आधा नंबर दिया था उससे कुछ पता चला सर? सर मेरे आरटी पे फोन करके पता किया, पता चला कि ऐसे 23 ट्रक हैं जिसके नंबर वैसे ही हो सकते हैं। 23 ट्रक, ठीक है, 23 के 23 ट्रक। एक एक कंपनी में जाके पता करो, पता करो कौन सा ट्रक था जो शाम को मायरी रोड पे था। सबूत उसी ट्रक में है। देखो ठीक से सोच के बताओ, दो दिन पहले ये ट्रक माई रोड गया था। मैं देख के बताता हूँ। ये ट्रक गई है वासी, ये ट्रक गई है भिवंडी, और ये ZZ02 7589 ये ट्रक है। अभी कहाँ है वो ट्रक? अनवेल। अनवेल? हाँ सर, वो शायद वापस भी आ रहा होगा। सच कह रहे हो तुम? हाँ सर। ये कार्ड अपने पास रखो, जैसे ही ट्रक वापस आता है फोन करो भैया। जी सर। सुनो, हाँ सर, ड्राइवर का नाम क्या है? गणेश। गणेश, पनवेल में तो ठीक है, अभी निकलो उसके पीछे, शायद रास्ते में मिल जाए। वेरी गुड, बहुत टाइम के बाद एक अच्छी खबर मिली है। यार हम भी तो सुने, अच्छी खबर क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी शादी का न्योता देने आया। क्या तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं, ये तुम जानते हो, लेकिन अभी अभी प्लीज तुम ये शादी मत करो। फिर वही बात, आज रात को मेरी शादी है अंशा के साथ। दया, हम लोग फटाफट वो सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस सबूत के काफी पास तक पहुंच भी चुके हैं। एक बार तुम वो सबूत देखोगे ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। पर अभी ये शादी मत करो, मेरी बात मान लो। मैं बेवकूफ था जो तुम लोगों को ये शादी का न्योता देना चला है। मैं समझ गया बेटी, जलन के मारे तुम लोगों को और कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं जल रहा हूं तुमसे? हाँ, कमाल है। इनविटेशन कार्ड है, खुशी खुशी मेरी और अनुषा की शादी में आना चाहते हो जरूर आना, नहीं तो थैंक यू। सचिन और ताशा उस ट्रक तक पहुंचने वाले हैं जिसमें वो सबूत है। कभी हार नहीं मानोगे, ठीक है? कोशिश करो। मेरी शादी आज रात को है, उससे पहले अगर कोई सबूत जुटा पाए तो मैं अपनी शादी खुद रोक लूंगा और अंशा को भी मैं अपने हाथों से अरेस्ट करूंगा। इट्स अ डील। डील। Thank you.
क्या हुआ? ठीक तो है ना तू? मेरी मेरी मदद करो। हाँ क्यों नहीं, वो वहाँ एक्सीडेंट। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ ट्रक में बैठो, यहाँ नजदीकी हॉस्पिटल है, मैं तो वहाँ छोड़ दूंगा। पहले मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पानी? रुक मैं भी लेके आता हूँ। हाँ भाई काम हो गया, ट्रक अब हमारे हाथ लग गया। अच्छा वो ट्रक का मालिक तो कह रहा था कि उसका ट्रक पनवेल से वापस आ। सर हम लोग पनवेल तक जाकर आ गए, अभी तक कहीं दिखा कैसे नहीं। सर उस चिप का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ ताशा। अरे ये आदमी इस तरह सड़क पर क्यों खड़ा है? ठीक तो ना जवाब तुम साहब। साहब एक आदमी मेरे ट्रक लेके मार गया। क्या नंबर है तुम्हारा ट्रक का? 0002758 साहब। 7589। तुम गणेश हो क्या? जी सर। आप कौन है साहब? सीआईडी सर। वो ट्रक को किस तरफ लेकर गया है? वो साहब इधर लेके गया है साहब। तुम उधर जाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी एम्बुलेंस बुला है। चलो। नहीं सर मुझे अपने साथ ही लेकर चलो साहब। ठीक है आओ गाड़ी में। इसका मतलब है कि उसे पहले से ही पता था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे पहले उस तक पहुंचकर सारे सबूत मिटाना चाहता है। लेकिन ताशा मैं ऐसा करने दूंगा तब ना। हमें सबूत चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए। सबूत के पीछे एक आदमी की जान भी जा चुकी है। मगर साहब ऐसा कौन सा सबूत छुपा है मेरी ट्रक में तो सब उसके पीछे पड़े हैं साहब। तो दो दिन पहले जब तुम्हारा ट्रक मारी रोड गया था ना तो किसी ने उसमें कुछ छुपा दिया था। छोटी सी चीज जो छुपाई गई है वो एक सिम कार्ड जैसा है, जैसे मोबाइल में होता है ना, बिल्कुल वैसा। ये साले इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचे? यार ये तो झोंक की तरफ पीछे ही चिपक गए, मर गए। वो तो भाग रहे हैं। भाग रहे हो काशा से, हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि इस ट्रक की जरूरत है। तुम्हें काम करो, ट्रक लो और हमारी गाड़ी को छोड़ दो जल्दी। देखो ट्रक का कोना कोना छान मारो, वो चिप हमें मिलनी चाहिए। हाँ चिप को च्युइंगम से ट्रक के नीचे चिपकाया हुआ था, हमें जल्द से जल्द पहुंचना। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सर हम तो दया सर की शादी रोकने जा रहे हैं, तो फिर इस तरह तैयार होकर क्यों जा रहे हैं? काजल अगर टाइम पे वो सबूत नहीं मिला जो मंगू ने छुपा के रखा था, दया की शादी एक कोने में खड़े होकर देखनी पड़ेगी। ऐसे या वैसे शादी में तो जा ही रहे।
वेरी गुड। चिप को चला के देखते हैं। बेचारा मंगू, हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। चिप लगा के देखो, देखो इस वीडियो में क्या है। सीआईडी की एक एक गाड़ी में हमने चिप लगा, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारी खबर हमारे पास है। और अब एक चिप दूरों में भी लगाना है, जिससे उनके मूवमेंट की एक एक बात हम को मालूम। सीआईडी वालों को कम मत समझना, उनको हर चीज की खबर है। आखिर ये आइडिया भी तो मैंने ही दी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये देख के भी दया नहीं माना तो फिर समझ लो कि दया के दिल में अंशा के सामने सीआईडी की कोई है नहीं। तो चल किसी भी साहब को फोन करके बता दो कि हमें सबूत मिल गया है और हम शादी रोकने जा रहे हैं। क्या बात है दया, किसकी राह देख रहे हो? किसी की नहीं दया, तुम मुझसे कुछ मत छुपा, मैं सब जानती हूँ। तुम एसीपी सर और अभिजीत का इंतजार कर रहे हो ना? सोचा था वो लोग जरूर आएंगे, खुशी में शामिल होंगे, पर वो तो सीआईडी से छुप के भाग रहा है। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, तो मेरे पिता समान है, वो हमें यहाँ बस आशीर्वाद देने आए हैं। अंशा, मेरा काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आदमी अपराधी है और इसे सजा दिलवाना है मुझे। और मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या आप मेरी एक भी बात नहीं मानोगे? अंशा, तुम दया, दया!
इस बार सबूत हम लोग साथ लेकर आए हैं और ये सीडी हम लोगों ने खुद चेक की है। देखो दया, तुम्हारी पत्नी अंशा उतनी ही अपराधी है जितना कि उसका चाचा दरा। ये सीडी हम कहाँ चला कर देख सकते? पता नहीं इन लोगों को हमारे रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है, आज फिर ये सब। नहीं दया, तुम भी इनकी बातों में आ गए। अभी अभी हमारी शादी हुई है और हमें बधाई देने के बजाय ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अभिजीत, तुम्हें पूरा यकीन है कि? मैंने कहा ना दया, मैंने खुद ये वीडियो चेक किया है और तुम्हारा देखना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब आज तक आप सीआईडी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल करते रहे? कोई मजाक नहीं है, मैं सच में तेरे से बहुत प्यार करती हूँ आंटी। तो कैसी लगी आपको? क्या लगता है आपको, दया ये सब सुन के फिसलेगा? फिसलेगा? जमीन पे लेट जाएगा वो। इतने के लिए तो मैं भी घबरा गई थी। इन्हीं आंसुओं से मैंने सीआईडी ऑफिसर को आपको फंसाया। बेचारा बहुत साफ दिल का है। से मुझे तुमसे मिलवाया गया। पर इसके बीच मुझे तुमसे सच में प्यार हुआ है। मुझसे शादी करो। प्लीज मेरा विश्वास करो। हर दिन हर पल तुमने मुझसे सिर्फ छूटा है। मैं नहीं जानती कि मेरे अंकल अपराधी है या नहीं। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं? हम इस पर सच कह रही हूं। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। मेरे अंकल खतरनाक है, बहुत खतरनाक, और मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। बस दया, इन सबको ब्यूरो लेके जाना पड़ेगा। तुम लोगों का खेल खत्म, समझे? सब चले गए। इधर से कहें खेल की शुरुआत उन्होंने तो खत्म नहीं करना। सफेद काम कर बैठे, सब गड़बड़ कर दी, पूरा प्लान बिगाड़ कर रख दिया। पता नहीं इनको कैसे सारे सबूत मिल गए। क्या करें? पहले तो हमें यहां से निकलना होगा। नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो सकता है। दया अभी भी मंशा के प्यार में छूट रहा है। हम दया को हथियार बना सकते हैं, फिर उसे सीआईडी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहुंचे, तुम लोग छुप जाओ, जल्दी। अंशा, 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 जब आ रहा हूं। दया अकेला है, करना पड़ेगा। गो।
से अपने साथियों से लड़ गया तुम्हारे लिए, और तुम, तुमने, तुमने मुझे धोखा दे दिया। प्लीज दया, मुझे माफ कर दो। I'm sorry दया, मैंने तुम मुझसे प्यार करने का सिर्फ नाटक कर दी थी। तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, है ना? नहीं दया, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम मेरे लिए सुनिए दया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ सुना तुमने मुझे। एक सीआईडी ऑफिसर होकर रहकर अपराधी से प्यार करने लगा मैं, उसे शादी की। ठीक, नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। मैंने कभी भी तुम पर या तुम्हारे किसी भी बात पर चढ़ी अंधा हो गया था मैं तुम्हारे प्यार में, और आज सच भी है कि इतना सब हो जाने के बाद आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और ये गलत है, गलत है। ये मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं दया, दया। ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ना ही सीआईडी के बिना मेरा कोई वजूद है। मुझे तुम दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, वो मैं कर नहीं सकता, वो मैं कर नहीं सकता। बेवकूफ मत बनो, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें ना ही अंशा को छोड़ना पड़ेगा और ना ही सीआईडी को, और इसके लिए तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? तुम सीआईडी में रहो और हमारे लिए काम करो। हाँ दया, प्लीज अंकल की बात मान जाओ, बस यही एक रास्ता है, और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। शायद सही कह रहे दया, अंशा से बहुत प्यार करते हो, इसे मरते हुए देखना चाहोगे? अंकल आप क्या कर रहे हैं? चुप रह, मेरी जान से कहीं ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी है। दया बोल दो अपने साथियों को मेरे रास्ते से हट जाए, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। सर प्लीज, प्लीज सर, ये ऐसे कुछ भी कर सकते सर, प्लीज। तुम्हें मालूम है दया, मेरे बीच में जो भी कोई आता है उसका क्या हाल करता हूं मैं, तुम जानते हो। अच्छा अब तुम एक सीआईडी ऑफिसर नहीं रहे, तो वैसे भी अंशा की जान जाने से उसके चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्यों पड़ेगा? और तो और दया, ये लड़की अपने चाचा जैसे ही एक अपराधी है। अंशा की मौत से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दया, दया को तुम्हारे बेटे जैसे है, उसको मरते हुए देखना चाहोगे? चलो। चलो जाओ, गाड़ी निकालो। ये अब मेरे लिए किसी काम का नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? सीआईडी को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, अब इसको अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं। Thank you.
आप वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसे एक और गोली मार दूंगा। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अभिषेक नहीं। अंशा, क्या मजाक है? कौन अंशा? मैं इंस्पेक्टर अनिला और मैं सिर्फ तुम्हारी भतीजी अंशा बनने का नाटक कर रही हूँ। क्या? पिछले दो सालों में अंशा के नाम से तुम हमारे साथ रह रही थी? जी अंकल जी। दया? जी अंकल जी। तुम कैसे उठ गए? सीआईडी को बेवकूफ समझोगे वैसा ही होगा। अपनी अपनी गाड़ी तर रहा हूं वरना तुम्हारे इस अंकल की खोपड़ी उड़ा दूंगा। सचिन चलो तो ले जाओ सीधे चलो। वेरी गुड वर्क इंस्पेक्टर अनिला। थैंक यू सर। तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ मतलब तुम सब मिले हुए हो? तुम्हारे घटिया प्लान के बारे में भी हम पहले से जानते थे इसलिए तुम्हारे खेल में हम भी शामिल। अब थोड़ी बहुत एक्टिंग तो हम लोग कर ही लेते हैं। अगर तुम मेरे बेटे होते तो सर मैं कोशिश चलाता। मेरी शादी आज रात को है, उससे पहले अगर कोई सबूत जुटा पाए तो मैं अपनी शादी खुद रोकूंगा और अंशा को भी मैं अपने हाथों से अरेस्ट करूंगा। हमें मालूम था कि तुमने ब्यूरो में गाड़ी में सब जगह चिप लगा के रखे हैं इसलिए हम लोग एक्टिंग करते रहे। बस एक गलती हुई, बेचारा मंगू मारा गया पर उसकी सजा भी तुम्हें भुगतना। फिर ये शादी करने की क्या जरूरत? शादी से बढ़कर अच्छा मौका और क्या हो सकता था तुम्हें हमारे पास लाने? हमें मालूम था कि तुम अपना प्लान कामयाब होते देखने के लिए तरस रहे होंगे इसलिए शादी में हिस्सा लूंगा। मतलब ये सगाई ये शादी ये सब झूठ था? हाँ जी चाचा जी सब झूठ था। वहां शादी में इतने सारे लोग थे कि खतरा था गोली बोली चलाने का इसलिए तुम्हें वहां से बाहर निकल के पकड़ना जरूरी था। अब तुम दया पर गोली चलाओगे इसका हमें पूरा यकीन था इसलिए दया इंस्पेक्टर अनिला चलो चाचा जी को उनका नया घर दिखाते हैं। नया घर? हाँ नया घर जहां पर अब बची हुई जिंदगी बितानी है। तुम्हें जेल कहते हैं जेल। चलो यार दया तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है बड़ा दुख हो रहा है मुझे। फिर से प्यार में तुमने धोखा खाया। ये किसने कहा कि प्यार में धोखा हो गया? वाकई प्यार हो गया था क्या? तुम नहीं सुनोगे अभी? नहीं अगर ये इंस्पेक्टर साहिबा वापस जाते जाते मुड़ती तो इन्हें तुमसे प्यार होगा और नहीं मुड़ी तो कोई बात नहीं मुड़ जाइए। अरे मुड़ जाइए। अरे मुड़ जाइए। हो गई तसल्ली? कोई बात नहीं यार ये नहीं तो कहीं और सही। Thank you.